हेलो बच्चों, वेलकम बैक। लेसन हमारा चल रहा था जिसका नाम था लॉस्ट स्प्रिंग लेसन फॉर रेनबो वाली बुक है, प्रोज की और पोएट्री दोनों मिक्स है इसमें। इसमें हमने पढ़ लिया था जो रेक पिकर से उनके बारे में बताया गया था। साहिब आलम करेक्टर का नाम था। एनिस जंग जो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बता रही है इसमें उनके द्वारा, तो देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है इसमें। हिंदी ट्रांसलेशन हम जान रहे हैं पूरे चैप्टर का। देखिए, लेखिका हमें पहले बताई थी ओल्ड टेंपल यूडीपी चली गई थी, वहाँ पर स्लीपर्स के बारे में कोई बात चली थी, तो वहाँ के लिए बोलती है कि बहुत सारे लोग ऐसे जो नंगे पैर रहते हैं, तो ये उनकी कस्टम बताई गई थी कि ऐसा नहीं था कि वो लोग गरीब थे। ठीक है, आप देखते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फूट रैक पीकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। अब वो कहती है कि ये मेरा जो एक्वेंटेंस है यानी जो परिचय है विद द बेयर फूट, जो नंगे पैर रैक पीकर्स कचरा बीनने वाले लोग जो नंगे पैर घूमते हैं, ये उसको कहाँ ले जाता है, लीड्स यानी ले जाता है, मी मुझे टू सीमापुरी। सीमापुरी एक जगह है बच्चों जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी होता है परिक्षेत्र, बाहरी क्षेत्र जो होता है ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में। येट मील्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन इससे थोड़ी मील दूरी पर ही है। मेटाफोरिकली उसी के रूपक में, मतलब उसी के जैसा है, दिल्ली के क्षेत्र में ही आता है पर है दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में। सीमापुरी दोज हु लिव हीयर, लेखिका कह रही है कि दोज वे लोग हु लिव हीयर जो यहाँ रहते हैं आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम, जो कहो ना स्क्वेटर हैं यानी कि एक तरह से घुसपैठिया बोल सकते हैं, जो आए हुए हैं बाहर के लोग जो हैं वो हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए थे बैक इन 1971, कब 1971 के अंदर बांग्लादेश से वो लोग आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार भी उन्हीं में से एक था। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, कहते हैं कि पहले जब ये लोग नहीं आए थे तो सीमापुरी क्या था, एक वाइल्डरनेस था यानी कि एक जंगली स्थान था, जो कहते हैं निर्जन स्थान था, कोई नहीं रहता था वहाँ पर, बिल्कुल वीरान था। इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, किंतु अब ज़्यादा समय नहीं लगा, ये बिल्कुल भी खाली नहीं रहा। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, वहाँ देखो मिट्टी के घर बन गए, मड यानी मिट्टी के स्ट्रक्चर घर। विद रूप्स ऑफ टिन एंड तारपोलियन, वहाँ की छतों में टिन लोहे की चादर जो होती है वो, तारपोलियन जो त्रिपाल वगैरह होता है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, बिल्कुल सीवेज के बिना यानी कि जो होते हैं ना सीवर वगैरह जो होता है उसके बिना वहाँ पर बन गया। ड्रेनेज, कोई नालियाँ नहीं, और रनिंग वाटर, और चारों तरफ बहता हुआ पानी ही पानी। लिव 10,000 रैक पीकर्स, लगभग 10,000 लोग जो है वहाँ पर रहने लग गए। दे हैव लिव्ड हीयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, क्या कहते हैं कि दे हैव लिव्ड हीयर, वे यहाँ रह चुके हैं या रह रहे हैं फॉर मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से भी ज़्यादा समय से, विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी परिचय के, कोई परिचय नहीं था उसका। विदाउट परमिट्स, बिना अनुमति के, बट विद राशन कार्ड, केवल उनके पास राशन कार्ड था। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, जिससे कि उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाए। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और वह अनाज खरीदने योग्य बन जाए। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन, वो कहते हैं कि फूड यानी भोजन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किससे, सर्वाइवल उनके जीवन यापन के लिए, किससे ज़्यादा, देन आइडेंटिटी परिचय से ज़्यादा। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज, कहते हैं कि इससे कि हम लोग हमारे परिवार को जो है भोजन खिला सकते हैं। एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और बिना पेट में दर्द हुए यानी भूखे पेट उन्हें सुलाए नहीं। वी वुड रेदर लिव हीयर देन इन द फील्ड्स, कहते हैं कि पहले हम जिन खेतों में खलिहानों में रहते थे, दैट गेव अस, पहले की बात बता रहे हैं कि वी वुड रेदर लिव हीयर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, अगर हम उन खेतों में रहते जहाँ उनका था तो उन्हें बिल्कुल भी अनाज नहीं मिलता। से ए ग्रुप ऑफ वुमन इन टैटर साड़ी, टैटर होती फटी पुरानी साड़ी पहने हुए एक महिला बोली। व्हेन आई आस्क देम, जब मैंने उनसे पूछा, व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स, उन्होंने क्यों छोड़ दिया वो अपना सुंदर सा
हरा भरा हरियाली वाला देश, खेत खलियान और नदियाँ क्यों छोड़ दी? तो वो कहते हैं वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ भी उन्हें भोजन मिला, दे पिच देयर टेंट्स, उन्होंने अपने टेंट यानी तंबू गाड़ दिए, एंड दैट बिकम ट्रांसिट होम, और ट्रांसिट अस्थाई, और अस्थाई घर उन्होंने बना दिया। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे उनमें बड़े हो गए, बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, उनके जीवन यापन में उनके सहयोगी हो गए, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स, और सीमापुरी में सर्वाइवल क्या था? वो था रैक पिकिंग यानी कचरा बीनने का काम। थ्रू द ईयर्स, साल गुजरते गए, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, ये क्या हो गया उनके लिए, एक कहते हैं ना फाइन आर्ट, मतलब एक ललित कला सा बन गया, एक आलतन का काम उनके लिए हो गया। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, क्योंकि सोना उनके लिए क्या है, गार्बेज कचरा क्या है उनके लिए, गोल्ड है, गोल्डन यहाँ पर रोजी रोटी है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, देखिए उनकी रोजी रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर पर बनने वाली छत है। इवन इफ, जब कभी, इट इज़ ए लीक लीकिंग रूफ, जब ये छत जो है लीकिंग यानी कि पानी का चैना जो होता है या पानी उन छतों में से आने लग जाए, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, कहते हैं उनके बच्चों के लिए बिल्कुल पर्याप्त है फिर भी, मतलब वो अपनी लाइफ से संतुष्ट है। आगे देखते हैं लेखिका क्या कहती है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, जो साहब कह रहा है, आई समटाइम्स, मुझे कभी कभी एक रुपया मिल जाता है, इवन ए 10 रुपी नोट, और कभी कभी 10 रुपये का नोट। साहिब सेज, साहिब कहता है हीज आईज लाइटिंग अप, उसकी आँखों में चमक आ जाती है, खुश हो जाता है बिल्कुल वो। वैन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन, जब उसे चांदी का सिक्का उसमें मिल जाए, इन ए लीप ऑफ गार्बेज, कचरे के, इन ए हीप ऑफ गार्बेज, कचरे के ढेर में। यू डोंट स्टॉप स्क्राउंगिंग, तो कहते हैं कि तुम ढूंढते हुए नहीं रोकते हो, फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, इस उम्मीद के साथ कि तुम्हें और भी ज़्यादा उसमें मिलेगा। इट सीम्स, ऐसा लगता है दैट फॉर चिल्ड्रन, कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ ए मीनिंग, या इम्पोर्टेंट लाइन है कि गार्बेज का अर्थ उनके लिए बिल्कुल अलग है, कैसे, डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता से अलग है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए क्या है, इट इज़ रैप्ड इन वंडर, ये आश्चर्य में रैप्ड है, लिपटा हुआ है। फॉर द एल्डर्स, और बड़ों के लिए, इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, क्या मतलब है इसका, जीवन यापन, जीवन रोजी रोटी है मतलब। वन विंटर, अब लेखिका आके बोल रही है, एक सर्दी की सुबह की बात थी, विंटर मॉर्निंग, आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, मैं एक बार साहेब को देखती हूँ जो एक मुख्य दरवाजे पर खड़ा था, ऑफ द नेबरहुड क्लब, पास ही में एक क्लब था खेलने का स्थान, वहाँ दरवाजे पर खड़ा था, वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, दो लड़कों को देख रहा था, यंग मैन, युवा व्यक्तियों को, ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मुझे भी खेल पसंद है, ही हम, वह कहता है, कंटेंट टू वॉच, कंटेंट संतुष्टि भरे हुए, टू वॉच ये देखकर, इट इज स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, उस मेन दरवाजे पे खड़ा होकर के वो देख रहा है और संतुष्ट हो रहा है कि मुझे ही पसंद है। आई गो इनसाइड, वो कहता है कि मैं अंदर चला जाता हूँ, व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई भी अंदर नहीं होता है, ही एडमिट्स, वह मुझे अनुमति दे देता है, कौन, द गेट की, बस स्वीकार करता है इस बात को पहले, तो क्या कहता है कि द गेट कीपर लेट मी यूज टू स्विंग, कि जो वहाँ का गेट कीपर होता है वो मुझे झूला झूलने देता है, स्विंग यानी झूला झूलना। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस, साहेब भी अब क्या है, टेनिस शूज़ पहने हुए हैं, टेनिस शूज़, दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट, लेकिन क्या है, उसकी शर्ट में बिल्कुल ही भद्दे से लग रहे हैं, डिसकलर लग रहे हैं, अलग प्रकार के, एंड शॉर्ट्स, और जो नेकर पहन रखी वो अलग है, और भी जो टेनिस वाले पहन रखे थे वैसे नहीं, लेकिन उसने टेनिस वाले शूज पहने हुए हैं। समवन गेव टू देम मी, वो कहता है कि किसी ने मुझे ये दिए थे। ही सेज, वह कहता है, इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक अच्छे से व्याख्यान देते हुए, द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड, और मुख्य बात क्या थी, डिस्कार्ड थे वो, फेंके हुए थे जो शूज थे, ऑफ सम रिच बॉय, किसी अमीर बच्चे के द्वारा, हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, शायद उसने पहनने से मना कर दिया, बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उसमें से किसी एक शूज में छिद्र हो गया था, डजेंट बॉदर हिम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके, फॉर वन, उसके लिए, हु हैज वॉक्ड, जो बिल्कुल चला करता है, किस पे फर्क नहीं पड़ता, जो बिल्कुल चला करता है, कैसे,
बेयर फुट नंगे पैर चलता है, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन शूज कौन से, जबकि जूते विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, चाहे वो छिद्र वाले जूते ही क्यों ना हो, उसके लिए क्या है, जैसे उसके लिए सपना सच हो गया। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग, किंतु जो खेल वो देख रहा था सो इंटेंटली बड़ी बारीकी से, इज़ आउट ऑफ हिज रीच, वह बिल्कुल उसकी पहुँच से दूर था। तो लेखिका ने उसको बताया, लेखिका ने उसके बारे में जाना, तो वो लड़का साहब ये बता रहा है। अब आगे देखिए, इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, बहुत अच्छा है, आप ध्यान से सुनिएगा। दिस मॉर्निंग, सुबह की बात थी, साहेब इज़ ऑन हिज वे, साहेब अपने रास्ते पे जा रहा था टू द मिल्क बूथ, किसकी तरफ, एक दूध की डेयरी थी उसकी तरफ। इन हिज हैंड, उसके हाथ में, इज़ अ स्टील कैनिस्टर, क्या थी, एक कैनिस्टर थी, कैतली, स्टील की कैतली थी। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल, वो कहता है कि अब मैं चाय की दुकान पे काम करता हूँ। डाउन द रोड, जो सड़क के उधर है, ही सेज, वह कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर इशारा करते हुए कहता है, आई एम पेड 800 रुपीज़। बच्चों ये देखो 800 रुपीज़ आप याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन भी आया था बोर्ड में, कितना रुपये उसको मिलता है। वो कहता है कि मुझे जो है 800 रुपये मिलता है, एंड ऑल माई मील्स, और मेरा पूरा भोजन मुझे मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या वह इस काम को पसंद करता है। आई आस्क, मैं पूछती हूँ, हिज फेस, उसका चेहरा आई सी में देखती हूँ, हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, क्या था उसमें, बिल्कुल लापरवाही भरी हुई थी, यानी कि वो आज़ादी से रहा हुआ था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग्स, क्योंकि क्या लग रहा था, क्योंकि जो स्टील की कैनिस्टर थी, जो केतली थी, वो सीम्स ऐसी लगती थी हैवियर, बहुत ही भारी, देन हिज प्लास्टिक बैग, जो प्लास्टिक का थैला वो अपनी पीठ पे लटकाया होता था रैक पिकिंग करते समय, कचरा बीनता था, उससे भी भारी लग रही थी। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, क्योंकि वो अपने कंधे पर बड़े आसानी से उसे ले जाता था। द बैग वॉज हिज, क्योंकि वो उसका खुद का था, वो थैला जो बैग था जो प्लास्टिक का वो। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन, क्योंकि वो कैनिस्टर कैथली किसकी थी, उस आदमी की थी हु ओन्स टू द टी शॉप, जो चाय की दुकान का मालिक था। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि साहेब ज़्यादा समय उसका मालिक नहीं रह सकता था। तो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है, अभी यहाँ तक हम लोग देंगे। नेक्स्ट जो चलेगा इसमें एक स्टोरी अलग चलेगी। अभी हमने जो देखा है, जितना भी देखा है, इसमें साहिब की कहानी है, एनी जंग लेखिका है, जो हमें साहिब के बारे में बता रही है। रेक पिकर्स थे जो कहाँ से आए हुए थे, बांग्लादेश से आए हुए थे, और सीमापुरी क्षेत्र में रहते थे, कचरा बीनने का काम करते थे, पूरी फैमिली उनका, उनकी रोजी रोटी होती थी, बच्चों के लिए दो पार्ट बताएं इसमें, कि बच्चों के लिए तो एंटरटेनमेंट का काम था, लेकिन उनके पेरेंट्स के लिए रोजी रोटी का काम था, तो कचरा बीनने का काम करते थे, ठीक है। अब आगे जो हम कहानी देखेंगे वो इसमें है, मुकेश नाम का एक लड़का है, जिसमें उसके ड्रीम्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, गुड डे।